Hello friends, welcome to our channel Current Affair Updated. This is Devashish Awasthi. As we are continuing with the ancient history lecture, this is lecture number 19th. तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये second last lecture है. इसके बाद एक lecture और आएगा ancient history का. उसका ancient history का topic हमारा complete हो जाएगा. तो इसके बाद आप कौन से lectures चाहते हैं? जरूर उसको comment box में जरूर comment करें. चलिए. तो आपको याद होगा in the last lectures हम deal कर रहे थे गुप्ता empire से. अब हम आगे बढ़ते हैं जो हमारा next important ruler होने वाला है. That is going to be the Harshvardhan. और Harshvardhan का discussion करने से पहले अपन एक dynasty का नाम है लिखा है. Harshvardhan इसी dynasty के belong करते हैं. याद रखिएगा. That is पुष्पभूति dynasty. याद रखिएगा. पुष्पभूति dynasty जो है time period आप देख सकते हैं इसका है 550 AD से लेके 647 AD. ठीक है. इसी dynasty को हम वर्धन dynasty भी कहते हैं. याद रखिएगा. वर्धन dynasty या पुष्पभूति dynasty भी एक ही नाम है. ठीक है. चलिए अब हम बात करते हैं पुष्पभूति dynasty की. तो इनका रूल कैसे स्टार्ट होता है? एक्चुअली जिस तरह याद रखिए गुप्ताज भी फ्यूडेटरीज थे, जमींदार थे, वैसे ही ये पुष्पभूति डायनेस्टी जो है ये भी लोग जो इसके रूलर्स रहेंगे वो भी फ्यूडेटरीज थे गुप्ता के. मतलब दे वर जमींदार. तो गुप्ता के अंदर जमींदार रहते हैं, बाद में अपनी इंडिपेंडेंस घोषित कर देते हैं. ठीक है. व्हेन दे सी गुप्ता एम्पायर इज गेटिंग वीक उस टाइम पर अपनी डायनेस्टी की इंडिपेंडेंस घोषित कर देते हैं. ठीक है. याद रखिएगा. एक्चुअली ये बिलोंग कहाँ से करते हैं ये इंपॉर्टेंट है. तो हरियाणा. ठीक है. थानेसर प्लेस है. याद रखिएगा. थानेसर प्लेस है, वहां से बिलोंग करते हैं. और ये तब अपनी डायनेस्टी को इंडिपेंडेंट करते हैं जब आपको याद हो मैंने बताया था एक हुंस ट्राइब थी, चाइनीज ट्राइब जो इन्वेड करती है गुप्ता एम्पायर के टाइम पर. तो याद रखिएगा दे डिक्लेयर इंडिपेंडेंस आफ्टर हुंस इन्वेजन. जब हुंस इन्वेड करती है ठीक है एट द टाइम ऑफ गुप्ता एम्पायर उसी टाइम पर ही अपने आपको इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं. ठीक है. दे बिकम इंडिपेंडेंट. नेक्स्ट कैपिटल की बात करें पुष्यभूति डायनेस्टी की तो कैपिटल वॉज कन्नौज. ये आपको याद रखना है. कैपिटल इज कन्नौज. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर्स की बात करें पुष्यभूति डायनेस्टी में तो याद रखिए कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं. याद रखिएगा प्रभाकरवर्धन. ठीक है. प्रभाकरवर्धन पहले रूलर हैं. इनके बाद याद रखिएगा इनका जो एल्डेस्ट सन है राज्यवर्धन वो रूलर बनता है. उसके बाद राज्यवर्धन के बाद बात की जाए तो राज्यवर्धन को जो एक नॉर्थ वेस्ट का रूलर है बंगाल साइड का. नॉर्थ वेस्ट नहीं कहेंगे पर इसको वैसे रूलर ऑफ बंगाल कह रहा हूँ. मतलब बंगाल का ही रूलर है जो नॉर्दर्न साइड में बंगाल को रूल कर रहा है शशांक. ठीक है. वो इसको किल कर देता है याद रखिएगा राज्यवर्धन को. उसके बाद राज्यवर्धन की डेथ के बाद जो अगला इंपॉर्टेंट रूलर आता है वो है हर्षवर्धन. तो याद देखिएगा अगर तो पूछे हर्षवर्धन किस डायनेस्टी के बिलोंग करते हैं आंसर होगा पुष्यभूति डायनेस्टी. ठीक है. हर्षवर्धन 606 एडी में एम्पायर को अपने अंडर लेते हैं. उस टाइम से हम उसको हर्ष एरा कहते हैं. ठीक है. तो याद रखिएगा हर्ष एरा जो है टाइम पीरियड है 606 से लेके 647 एडी. इंपॉर्टेंट रूलर है लेकिन अगर इनका एक्सपेंशन बताऊं एम्पायर का तो जनरली नॉर्दर्न साइड में है. ठीक है. अगर मैं इंडिया का मैप बनाता हूं तो ये नॉर्दर्न साइड है. ठीक है. इस साइड में इनकी डायनेस्टी हर्षवर्धन डायनेस्टी इसके ही अराउंड है हर्षायरा. ठीक है. चलिए और देखा जाए तो ही वाज एक तरीके से वाज लास्ट ग्रेट हिंदू किंग. तो अगर देखा जाए तो लास्ट ग्रेट हिंदू किंग की अगर बात करें तो दैट इज हर्षवर्धन ओनली. आई रिटन द लास्ट ग्रेट हिंदू किंग वाज हर्षवर्धन. ठीक है. जनरली मैंने अभी आपको बताया द रूल इज अराउंड नॉर्थ इंडिया. ठीक है. ही हैज अ टॉलरेंट रिलीजियस पॉलिसी. ही इज फेमस कि वो बहुत टॉलरेंट है. याद रखिए अपनी रिलीजियस पॉलिसी में. ठीक है. एक इंपॉर्टेंट है क्या हर्षवर्धन कभी नहीं चाहेगा कि he wanted to go to south. Of course, he wanted. तो वो south की ओर जाने की कोशिश करेगा. But याद रखिएगा, south में ही एक बहुत important dynasties है, that is Chalukya dynasty. ठीक है. मैंने यहाँ पे बना भी रखा है. आप देख सकते हैं, एक map बना रखा है मैंने. यहाँ A B लिख रखा है. ठीक है. आप देख रहे होंगे आंध्रा साइड और नॉर्थ तमिलनाडु साइड. एक मैंने डायनेस्टी लिखी है, that is पल्लवास. ठीक है. और ये जो A है महाराष्ट्र साइड में जो लिखा है वहां मैंने लिखा है चालुक्य डायनेस्टी. तो एक्चुअली जब वो नर्मदा के नीचे, ठीक है, तापी नर्मदा के नीचे जाने की कोशिश करता है साउथ में, उस टाइम पर उसकी जो वॉर होता है एक दैट इज विद चालुक्यास. ठीक है. और चालुक्यास हर्षवर्धन को हरा देते हैं. तो ऑफ कोर्स जब वो हार जाता है तो वापस वो जहां था वहीं पहुंच जाता है, दैट इज नॉर्थ. साउथ की ओर मूव नहीं कर पाता है. तो इंपॉर्टेंट है किसने हराया था हर्षवर्धन को. याद रखिएगा पुलकसीन. याद रखिएगा पुलकसीन सेकेंड. दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. ठीक है. ये एक चालुक्या का रूलर है. ठीक है. चालुक्यास का रूलर है. एंड ही डिफीटेड हुम. ही डिफीटेड हर्षवर्धन. तो पूछा था हु डिफीटेड हर्षवर्धन. आपको याद रखना पुलकसीन सेकेंड. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. व्हेन वी आर डीलिंग विद हर्षवर्धन तो हर्षवर्धन के टाइम पर एक बहुत फेमस चाइनीज ट्रेवलर हर्षवर्धन के कोर्ट में आते हैं. उनका नाम आपको याद रखना है यून चांग. ठीक है. ही विजिटेड एट द टाइम ऑफ हर्षवर्धन. ठीक है. नेक्स्ट बात की जाए तो कन्नौज
असेंबली, बहुत फेमस असेंबली है कन्नौज असेंबली, एक्चुअली टू याद रखिएगा टू ऑनर यून चांग को, याद रखिए ऑनर करने के लिए एक असेंबली बुलाते हैं हर्षवर्धन, उसे अपन कहते हैं कन्नौज असेंबली, और यहीं पर वो पॉपुलराइज करते महायाना सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। आपको याद होगा हीनयान एंड महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म मैंने आपको बताया था, तो महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म को पॉपुलराइज करते हैं, ठीक है, कौन हर्षवर्धन, ठीक है। नेक्स्ट उनके इंपॉर्टेंट टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रयाग असेंबली होती है, ठीक है, याद रखना आपको प्रयाग असेंबली किसके टाइम पर स्टार्ट हुई थी, दैट इज हर्षवर्धन, और यहीं से कुंभ फेयर जो है आपको बताओ प्रयागराज, दैट इज इलाहाबाद जिसको अपन पहले कहते थे, वहीं से कुंभ फेयर स्टार्ट होता है, तो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात की जाए हर्षा के बारे में, हमें इतना सब मिलता कहां से, पता कहां से चलता है कि उसकी हिस्ट्री, उसे क्या चीजें की है, तो एक बहुत फेमस बुक है याद रखिएगा हर्षचरिता, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा ये हर्षचरिता किसने लिखी है, आंसर इज बना भट्ट, याद रखिएगा बना भट्ट ही इसके राइटर हैं, ही वाज वन ऑफ द फेमस स्कॉलर एट द टाइम ऑफ हर्षवर्धन, इनकी एक बहुत फेमस बुक है कदंबरी याद रखिएगा, तो ये दोनों फेमस बुक बनाभट की, दोनों हर्षचरिता एज वेल एज कदंबरी वेरी फेमस बुक्स ऑफ बनाभट व्हिच वाज रिटन इन संस्कृत, याद रखिएगा किसमें लिखी गई है, संस्कृत में लिखी गई है। इस हर्षचरिता को जब अपन पढ़ते हैं तो अपन को पता चलता है जो हर्षवर्धन वाज नॉट ओनली अ वेरी टॉलरेंट रूलर है ना एंड वेरी फेमस रूलर, बट एक्चुअली ही हैज अ कल्चरल एडवांटेज आल्सो, मतलब कल्चर की बात करूं तो वो ड्रामा राइटिंग सिंगर, मतलब आप देख सकते हैं बहुत सारी एक्टिविटीज उसके अंदर थी, तो हर्षा की हिस्ट्री के बारे में अपन को इस हर्षचरिता से पता चलता है, और कदंबरी भी आप याद रखिएगा एग्जाम में आ सकता है आपको, ठीक है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट अगेन ट्रेवलर है जो हर्षवर्धन के टाइम पर आते हैं याद रखिएगा युआन जांग, ठीक है, ही विजिटेड द कोर्ट ऑफ हर्षवर्धन। चलिए आगे बढ़ते हैं, हर्षवर्धन मैंने भी आपको बताया ही इज आल्सो द राइटर, डांसर है, सिंगर है, सब कुछ है, तो हर्षवर्धन की भी कुछ फेमस बुक्स हैं एग्जाम में आ सकती हैं आप देख लीजिए, ठीक है, नागानंदा इट वाज अ बुक रिटन बाय हर्षवर्धन, ठीक है, रत्नावली, ठीक है, और जो लास्ट मैंने लिखी है दैट इज प्रियदर्शिका, ये तीनों इंपॉर्टेंट संस्कृत प्ले है, ठीक है, संस्कृत प्ले है, बुक नहीं है, दया संस्कृत प्ले विच इज रिटन बाय हर्षवर्धन, तो एग्जाम में आ सकता है ये रत्नावली जो है, ठीक है, प्रियदर्शिका प्ले है, ये किसने लिखा है, तो आंसर वुड बी हर्षवर्धन। तो ये इंपॉर्टेंट था जितना मैंने आपको बता दिया, दैट इज रिलेटेड टू हर्षवर्धन। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हमको स्टार्ट करना है दैट इज साउथ इंडिया, ठीक है, अब हम दक्कन की ओर देखते हैं साउथ इंडिया में उस टाइम पे क्या रूल चल रहा है, ठीक है, तो याद रखिएगा, देखिए मैंने एक अगेन एक मैप बना रखा है वापस, यहां पर ए और बी लिख रखा है, ए चालुक्यास, मैंने अभी आपको डिस्कस किया कि ए चालुक्यास हैं जिन्होंने अभी हर्षवर्धन को रोका भी है, ठीक है, और बी जो है वो पल्लवास हैं, तो अपन इन दोनों को ही डिस्कस करेंगे ए और बी, ठीक है, दैट इज चालुक्यास और पल्लवास को, ठीक है, उसके बाद के टॉपिक है दैट इज चोलास, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है, राजकूट चोलास पालास ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और आप मेरे मिडिवल हिस्ट्री का पहला लेक्चर देखेंगे तो वहां पर मैंने डिस्कस किया है, तो अब एंडिंग में आ गए एंशियंट हिस्ट्री के, साउथ इंडिया में याद रखिए आज हमें डिस्कस करना पल्लवास दैट इज बी एंड ए इज चालुक्यास, ठीक है, इनके बीच में भी फाइट चलती रहेगी, ठीक है। सबसे पहले अपन देखते हैं पल्लवास, पल्लवास की लोकेशन की बात की जाए तो यहां पर आपको पता है कांचीपुरम से लेके कावेरी डेल्टा के अराउंड पल्लवास है, ठीक है, एक तरीके से अगर आज की प्रेजेंट स्टेट की बात करो तो आंध्र प्रदेश और नॉर्दर्न तमिलनाडु जो है उसके अराउंड पल्लवास है, ठीक है, इनकी कैपिटल जो है वो है कांची, ठीक है, इसलिए पल्लवास ऑफ कांची भी कहा जाता है इन्हें, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है पल्लवास में, वो है नरसिम्हम वर्मन, याद रखिए नरसिम्हम वर्मन वेरी फेमस पर्सनालिटी, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है नरसिम्हम वर्मन किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, आंसर है पल्लवास, ठीक है। तो इनके बारे में बोला जाए तो इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल ले रखा है, टाइटल इज आल्सो इंपॉर्टेंट, वटापी कोंडन, याद रखिएगा वटापी कोंडन इट वाज अ टाइटल व्हिच वाज टेकन बाय नरसिम्हम वर्मन, और ये क्यों टाइटल लिया, एक्चुअली उन्होंने चालुक्यास किंग जो है, ठीक है, उसको किल करते हैं ये, मैं अभी आपको बताऊंगा कौन है चालुक्या किंग जिसकी जिसका किल उसको मारता कौन है, नरसिम्हम वर्मन मारते हैं, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई ही टेक द टाइटल ऑफ वटापी कोंडन, याद रखना आपको, ठीक है। नरसिम्हम वर्मन अगेन फेमस है, अगर हम जब आर्ट एंड कल्चर भी देखेंगे वहां पर भी फेमस है, क्योंकि बहुत फेमस शोर टेम्पल है, अगर आप जाएंगे तमिलनाडु में चेन्नई साइड में तो शोर टेम्पल वॉज डेवलप्ड बाय नरसिम्हम वर्मन, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं पल्लवास में इंपॉर्टेंट रूलर मैंने आपको डिस्कस किया कौन थे, और अगर पल्लवास का टाइम पीरियड डिस्कस किया जाए जो कांची इनकी कैपिटल थी तो वो 575 एडी से 897 एडी तक रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट मैंने अभी आपको बताया, अभी हमने पल्लवास डिस्कस किया है दैट इज आंध्र एंड नॉर्दर्न तमिलनाडु, अब हम डिस्कस करेंगे चालुक्यास, ठीक है। ये चालुक्यास
का है? अभी मैंने बताया आपको महाराष्ट्र साइड में आप कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। तो चालुक्यास ऑफ वटापी, ठीक है, मतलब महाराष्ट्र कर्नाटक भी कंसीडर करेंगे अपन, ठीक है। वटापी टाइम पीरियड देखिए 543 एडी से 755 एडी, और इन पल्लवास इन चालुक्यास से बहुत इंपॉर्टेंट जो वॉर है वो जीतेगा कौन? पल्लवास, मैंने भी आपको बताया कुछ देर पहले, ठीक है। इनका एरिया देखा जाए तो कृष्णा रिवर और तुंगभद्रा रिवर है, ठीक है, याद रखिए कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर है, उसी के बीच में इनका एम्पायर है, इसको रायचूर द्वाब भी कह सकते हैं, रायचूर द्वाब, ठीक है। वहीं पर चालुक्यास ने अपना एम्पायर एस्टैब्लिश किया है। कैपिटल वेरी फेमस सिटी अहिहोल, ठीक है, अहिहोल वेरी फेमस कैपिटल सिटी है। अगर आप गूगल करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे टेम्पल्स मिलेंगे आपको, बहुत ज़्यादा रिलीजियस प्लेस भी है, ठीक है, इवन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर भी है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए एट प्रेजेंट अहिहोल किस स्टेट में आता है, ठीक है, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि अहिहोल किस स्टेट में प्रेजेंटली आता है, ठीक है। याद रखिए बहुत ज़्यादा रिलीजियस टेम्पल और ट्रेडिंग सेंटर है ये, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंट किंग मैंने आपको बताया, दैट इज पुलकेशिन सेकंड, जो पुलकेशिन सेकंड है, इसके बारे में आपको बताया था हर्षवर्धन को साउथ में आने इसने नहीं दिया था, ठीक है, बट नरसिम्हन वर्मन इसी को मारेंगे, याद रखिएगा। तो मैंने बताया था ना कि किस चालुक्यास किंग की डेथ कर मारने वाले हैं, दैट इज नरसिम्हन वर्मन, वो यही किंग है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है इसमें सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं इसके इसके टाइम पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर्ट पोएट है जिसका नाम है रवि कीर्ति, ठीक है, रवि कीर्ति, और उसने बहुत इंपॉर्टेंट बुक लिखी हुई है, याद रखिएगा पराशक्ति, PRASHASTI, ठीक है। तो याद रखिएगा पराशक्ति जो है ये रवि कीर्ति ने बुक लिखी है, ही वाज अ कोर्ट पोएट एट द टाइम ऑफ पुलकेशिन सेकंड, ठीक है। मैंने आपको बताया इसने हर्षा को डिफीट किया था, ये मैंने अभी आपको बताया, और इसी के टाइम पर युनसांग भी जो है वो चालुक्यास विजिट करता है, तो युनसांग विजिटेड एट हिज कोर्ट, ठीक है, आपको याद रखना है। और ही वॉज किल्ड बाय हुम? ही वॉज किल्ड बाय नरसिम्हन वर्मन, अभी जो मैंने आपको बताया, जो पलवास के रूलर है, वेरी फेमस रूलर, जिन्होंने शो टेम्पल बनाया, वही इसको मारेंगे। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट जो फिल्म्स में आ सकता है, ठीक है। और अगर मैं चालुक्यास की बात करूं तो जब आर्ट एंड कल्चर में चालुक्यास की बात की जाती है तो एक टेंपल आर्किटेक्चर अपन पढ़ते हैं, ठीक है। तो उस टेंपल आर्किटेक्चर में तीन टाइप ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर है, नागारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, जो नॉर्थ स्टाइल, नॉर्थ के जो टेंपल्स है वो स्टाइल से बनाए जाते हैं नागारा स्टाइल, द्रविडियन स्टाइल जो साउथ के हैं, और इन दोनों का मिक्सअप जो है दैट इज याद रखिएगा वर्सा स्टाइल, ठीक है, मतलब द्रविडियन भी मिक्स है और नागारा स्टाइल भी मिक्स है, दोनों का जो मिक्सअप है उसे कहते हैं वर्सा स्टाइल। और वर्सा स्टाइल का जो टेंपल कंस्ट्रक्शन है वो चालुक्यास ने ही बिगिन किया था, तो दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब ये सब क्या है, तीनों टाइप ऑफ जो टेंपल्स बताए ये सब तो अपन आर्ट एंड कल्चर में करेंगे। तो यहां पर अगर देखा जाए तो वी हैव कंप्लीटेड विद साउथ इंडिया आल्सो, ठीक है। अब एक छोटा सा टॉपिक बचा है संगम एज, संगम पीरियड में, उसमें हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। ये जो लेक्चर सीरीज थी एंशिएंट हिस्ट्री की, दैट वाज गोइंग टू बी कंप्लीटेड, तो आज ये सेकंड लास्ट लेक्चर है, इसका एक लेक्चर और आएगा, दैट इज लेक्चर नंबर 20th, उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा हो प्लीज इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें इस बात के लिए कि अगर कोई क्वेरीज हो तो कमेंट करें, और अगर आप कोई नया सब्जेक्ट स्टार्ट करवाना चाहते हैं प्लीज उस सब्जेक्ट को जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें, हम जरूर उसको रीड करके अगर हमको लगता है वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दैट टॉपिक आल्सो। प्लस अगर आपको नोट्स चाहिए हो, कंप्लीट नोट्स एंशिएंट हिस्ट्री के या किसी अदर सब्जेक्ट्स के, तो वो हार्ड कॉपी के थ्रू आपके घर तक पहुंच सकती है, उसके लिए आपको नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। थैंक यू।